हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की 13 जनवरी की मोडाल से रिलेटेड वर्कशीट 65 करेंगे। ये इंग्लिश की है। मोडाल ऑक्सिलरी आर वर्ब्स सच एज कैन, मस्ट, कुड, वुड एक्सेट्रा व्हिच आर यूज्ड विद मेन वर्ब टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस। तो जो मोडाल से हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि कैन, मस्ट, कुड, वुड, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारी एबिलिटी को दर्शाते हैं, हमें क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी जो हो सकता है, परमिशन जो हम मांगते हैं, नेसेसिटी जो कि जरूरत है, ऑब्लिगेशन वगैरह कोई हमारी जो मतलब हमारे लिए मॉरल ड्यूटी है, या एडवाइस किसी को सुझाव देना। ये सब चीजें मोडाल्स के अंदर आती हैं। तो आज हम कुछ मोडाल्स को जानेंगे। पहला एबिलिटी, जो हमारे करने की क्षमता को दर्शाती है, कैन और कुड। रीता कैन स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, रीता फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकते हैं, एबिलिटी है। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था तो वो तेज भाग सकता। तो कैन यहाँ पे प्रेजेंट है और कुड यहाँ पे पास्ट फॉर्म है कैन की। इसी तरह से रिक्वेस्ट भी यूज होता है, रिक्वेस्ट कैन, कुड, विल, वुड, ये सब रिक्वेस्ट में यूज होते हैं। परमिशन में भी कैन, कुड और मे का यूज होता है। तो मे जो है सबसे पोलाइट होता है, बाकी सब थोड़े मतलब ऐसे ही होते हैं। जैसे माय पेन इज लॉस्ट, कैन आई बोरो योर पेन, मे आई बोरो योर वर्कबुक, तो हमें मे ज्यादा यूज करना पड़ता है। एडवाइस, एडवाइस किसी को सुझाव देना, शुड या ऑट टू, वन शुड वियर द मास्क, सभी को मास्क प्रॉपरली पहनना चाहिए। ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी, मस्ट या हैव टू, मस्ट मतलब करना ही करना है, यू मस्ट लर्न योर लेसन, तुम्हें अपना लेसन लर्न करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारी ड्यूटी है। इस तरह से पॉसिबिलिटी, माइट, मे, कुड, कैन, हो सकता है। इट लुक्स नाइस, ये नाइस लग रही है, अच्छी लग रही है, बट इट माइट बी एक्सपेंसिव, पर ये महंगी हो सकती है, तो पॉसिबल हो सकता है। अब क्वेश्चंस करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। वन डैश नॉट विजिटेड क्राउडेड प्लेस टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो यहाँ पे हमारी कुछ एक तरह से सुझाव दिया जा रहा है। वन शुड नॉट विजिट, यू डैश वियर योर मास्क बिफोर यू गो आउट फॉर शॉपिंग, यू मस्ट, तुम्हें पहनना ही पहनना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। तो अगला है, आई फिनिश माई प्रोजेक्ट बाय द वीकेंड, आई हैव टू, मुझे फिनिश करना होगा, ये मेरी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। माई मदर डैश स्विम वेल व्हेन शी वॉज यंग, थी, एबिलिटी थी, कोड आएगा। यू डैश स्पीक लाउडली इन अ हॉस्पिटल, यू शुड नॉट, तुम्हें एडवाइस दी जा रही है। डैश यू आस्क हेल्प टू, यू आस्क हिम टू हेल्प, कोड। फिफ्थ वाले में आपका मस्ट नॉट भी आ सकता है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, ड्यूटी भी है, तो आप कोई सा भी लगा लें। सेवंथ, आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, आई डैश टेक साइंस क्लास इन नाइन्थ, तो क्या होगा, माइट। अब आपको एक कुछ सेंटेंस फॉर्म करने हैं, इमेजिन करना है आपको, आप प्रिंसिपल है स्कूल के और गाइडलाइंस लिखनी है आपको स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए, ऑब्लिगेशन, एडवाइस और सजेशन जैसे वर्ड्सों का यूज करके। तो एवरीवन मस्ट फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, ऑब्लिगेशन शो करी है। स्टूडेंट शुड नॉट ईट टूगेदर, एडवाइस शो की है। स्टाफ में टेक अ लीव इफ नॉट वियर मास्क, जो स्टाफ है उसे छुट्टी दे दी जाएगी अगर वो मास्क नहीं पहनेगा। तो इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए क्या आएगा, ये हमारी ड्यूटी बना दी। नन शुड स्प्लिट आउटसाइड, किसी को भी बाहर थूकना नहीं चाहिए, ये भी एक तरह का सजेशन है। तो इस तरह से आप वर्कशीट कर लेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड